हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमें टेस्ट नंबर 7 की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करनी है। हमारा पहला एमसीक्यूज है द मसल्स प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल। देखो बेटा, यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, मसल्स जो होते हैं वो कार्डिक मसल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उसने पूछा है वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर जो है वो स्पेशली जो मसल होते हैं, एक मखसूस टाइप होते हैं, उनको कहते हैं पेपलरी मसल्स। कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होगी और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होंगे तो उनको बैकवर्ड मूवमेंट जो है वो उनकी जो प्रिवेंट करेगा वो मसल पेपलरी मसल्स कहलाते हैं। ये मसल्स कॉर्डाई टेंडनाई के साथ अटैच होते हैं और स्पेशली वेंट्रिकल के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा चार्ली। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी। सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है बेटा वो हमारे पास होती है ये एओर्टा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एओर्टा, डेट विल बी द लार्जेस्ट आर्टरी। जबकि जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है वेना कैवा। वेना कैवा, ठीक हो गया। तो अब हमारा आंसर जो है वो बनेगा बेटा द डायग्राम शो द हार्ट विद इट्स मेन ब्लड वेसल्स देन विच टू ब्लड वेसल्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा देखिए, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट पार्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, तो और लेफ्ट पार्ट के अंदर आप देखो 3 और 4 गिवन है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा बन जाएगा 3 और 4। द आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू द लेग। देखिए बेटा, हमारा ये जो पेल्विक पार्ट होता है ना, पेल्विक पार्ट, वहां से एक आर्टरी निकलती है, उसको कहते हैं इलियक आर्टरी। आपकी बुक ने लिखा कि ये बाइफरकेट करते हैं, यानी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। लेग्स के अंदर जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाती है फीमरल आर्टरी में। ये फीमर बोन से निकला है, तो लेग्स के अंदर जो है जो आर्टरी पाई जाती है उसको फीमरल आर्टरी कहते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई द ब्लड टू द लीवर। लीवर के लिए ना बेटा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखें, लीवर की बात करें ना, जब हम बात करते हैं लीवर की, लीवर तो लीवर को एक तो दो जगहों से, आपकी डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम से, स्पेशली स्टमक से और इंटेस्टाइन से। बेटा यहां से एक जो है वो एक बड़ी नाली आती है जो कि इसको सप्लाई देती है, इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। यानी हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर को हमारी खुराक की नाली ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, जबकि हार्ट जो है हमारा दिल ये सप्लाई करता है वाया हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। इसी तरह हार्ट को वापस ब्लड जाता है वाया हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, ठीक है। ये वाला ब्लड भी बेटा डीऑक्सीजनेटेड होगा। इतनी हमारे लीवर को दो जगहों से ब्लड मिलता है, हार्ट भी देता है और खुराक की नाली डायरेक्ट दिल को सप्लाई देने के बजाय पहले लीवर को देती है ताकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। ये वाला ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, जबकि ये वाला जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ये लीवर को सप्लाई मिलता है। तो अब हम एमसीक्यूज को समझते हैं। सप्लाई द ब्लड टू द लीवर जो है बेटा, हेपेटिक आर्टरी जो है वो सप्लाई लेकर आती है, ये लेवल भी किया हुआ। चल, उसके बाद इंटरकलेटेड डिस्क, ये एक स्पेशल टाइप की डिस्क होती है जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर पाई जाती है, यहां पर ये डिस्क पाई जाती है, इसको कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। ये मायोकार्डियम में होती है, ये बेसिकली हार्ट को एक बैलेंस वे में कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि एक रिदम के साथ, एक बैलेंस के साथ वो कॉन्ट्रेक्ट करे। लैक्टियल बेसिकली हमारी जो विलाई होती है उसमें एक लिम्फेटिक कैपलरी होती है, ठीक है ना। ये आपको ये दिखाई दे रही है हमारी विलस के अंदर ये पाई जाती है, ये एक लिम्फेटिक कैपलरी है। लिम्फोसाइट्स ये जो है बेटा वो लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं क्योंकि ताकि लिम्फ नोड इसको फिल्टर कर सके। हु सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस टू द सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस। देखो बेटा, सेंस ऑर्गन और सीएनएस के बीच में बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है ना, वो ये काम करता है। हु कनेक्ट द डिफरेंट न्यूरॉन टुगेदर, सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन
थ्रू शॉर्ट डेंड्राइट, ये बेसिकली इंटर न्यूरॉन की स्पेशलिटी होती है, जो एसोसिएटिव न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन होता है, उसमें ये खासियत होती है। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फॉर द लेबल एक्स, ये जो लेबल एक्स है ना बेटा, ये आप देख रहे हो, ये लेबल एक्स किया हुआ है, और ये दो न्यूरॉन के बीच में बेसिकली गैप है, आप जानते हैं कि इसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली, द वेरी स्मॉल गैप बिटवीन एन एक्सॉन सेंडिंग अ मैसेज एंड द एंड्रॉइड रिसीविंग द मैसेज। देखो बेटा, आप जानते हैं कि ये सिनेप्स कहलाता है, दिस विल द एग्जांपल ऑफ सिनेप्स, ये पूरा सिनेप्स कहलाता है, दिस विल कॉल सिनेप्स, ठीक है, और ये दो के दरमियान में जो गैप होता है उसको क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द सोमा, सोमा सेल बॉडी को कहते हैं, सेल बॉडी से जो दूर लेकर जाता है उसको एक्सॉन कहा जाता है। इट एन ऑटोमेटिक न्यूरोमस्कुलर एक्शन इलिसिटेड बाय द स्टिमुलस, ऑटोमेटिक आ गया तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन है। अ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्विंग वन और मोर इंटर न्यूरॉन, एक या एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन अगर सिनेप्स बना रहे हैं तो उसको पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाएगा। विच आयन आर द मोस्ट अबंडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन इन द रेस्टिंग। देखो बेटा, अगर हम रेस्टिंग की बात करें तो आपके पास बाहर जो है ना, बाहर वो सोडियम आयन होता है 10 times मोर होता है, और अगर अंदर की बात करें तो अंदर पोटाशियम आयन जो होता है ना, पोटाशियम आयन वो 20 times मोर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो व्हेन अ न्यूरॉन रीचेस एट द एक्शन पोटेंशियल इट डीपोलराइज। देखो बेटा, डीपोलराइज जो है ये मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, मिली सेकेंड ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द हार्ट इज इंटरकलेटेड, इज हम डिस्कस कर चुके हैं, मायोकार्डियम में होता है। द वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये आपको दिखाई दे रहा बेटा, ये होता है बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, और जबकि लेफ्ट पार्ट के अंदर जो है वो पाया जाता है बाइकस्पिड वॉल, इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं, दिस विल आल्सो कॉल द मिट्रल वॉल, आंसर बनेगा हमारा बीटा। द नंबर ऑफ द चैम्बर इन द ह्यूमन, ह्यूमन हो या बर्ड हो, उसमें 4 chambers होते हैं, फिश का 2 chambers होता है, एम्फीबियंस का 3 chambers होता है, रेप्टाइल्स में कुछ का रेप्टाइल का 3 chambers है, और आफ्टर क्रोकोडाइल वो भी 4 chambers है, बर्ड और ह्यूमन में भी 4 chambers होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल, हार्ट के मसल्स को जो सप्लाई करती है उसको कॉर्नरी आर्टरी जो है बेटा वो कहा जाता है, ये हार्ट के मसल्स को ही खुद को सप्लाई करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल वॉल्स आर प्रेजेंट, देखो बेटा वॉल जो होते हैं वो बेसिकली वेन में पाए जाते हैं, आर्टरी में वॉल नहीं होते, और वॉल जो है इनको कहते हैं सेमी लूनर वॉल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल पल्स इज फीड, देखो बेटा क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको पल्स भी इसी में महसूस होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बेसिकली कैपिलरीज के अंदर होता है, क्यों, क्योंकि सिंगल सेल लेयर थिकनेस होती है इसकी। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम वाला होता है 80 mm ऑफ मर्करी। इन विच ब्लड वेसल ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज सेम, ये ऐसा बेटा कैपिलरीज के अंदर क्योंकि प्रेशर खत्म हो जाता है तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा। द वॉल प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एओर्टा, एओर्टा क्योंकि एक आर्टरी है बेटा, इसके अंदर इसलिए जो है बेटा एक वॉल पाया जाता है, उसको सेमी लूनर वॉल कहते हैं या एओर्टिक वॉल भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द लेग्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको फीमरल आर्टरी कहते हैं। द इम्पल्स ऑफ द हार्ट स्टार्ट फ्रॉम एसिनोड, सीनो आर्टरियल नोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का बेसिकली काम होता है एक्सचेंज करना। द रीनल वेन ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम किडनी, ठीक हो गया, ये किडनी तक हो गया।